दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी कंटिन्यू जुड़ रहे थे, जैसा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो वो भी कंटिन्यू चल रही है। उसके लगभग हमारे जो फिफ्थ चैप्टर पूरी तरह से ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो फाइनली या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पर सारे वीडियो के प्ले लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, फिर आप प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हो। तो आज जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये जो हमारा है पार्ट 4 है, और ये हमारा लास्ट पार्ट है बैंकिंग, और फिर इसके बाद हम आगे के जो चैप्टर देखेंगे। तो इसमें हमें एक क्वेश्चन को पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम से देख रहे हो, तो सबसे पहले करना है कि आपको दो वर्ड्स को समझना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको बॉक्स में इंडिकेट कर दिया, तो इस चीज़ को आपको, अगर ये दोनों शब्दों का मतलब क्लियर है ना, तो आपको जितने भी टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे ना, वो आपको एग्जैक्टली बिल्कुल इजीली आपको समझ में आएंगे। तो पहला क्या कह रहा है आपका, मुद्रास्फीति मींस इन्फ्लेशन क्या होता है, और आपका अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन क्या होता है। ये अगर आपको समझ में आए ना, तो सारे का सारा टॉपिक आपका ना यूं चुटकी में क्लियर रहेगा। तो समझना ध्यान से क्या है कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, महंगाई। तो जैसा सिंपल से अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप जहाँ भी रहते हो, गली मोहल्ले में जहाँ पर भी, तो अगर आप वहाँ अचानक कहते हो ऐसा कि इसकी मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो वहाँ पर बहुत ही कम लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे कि यार फिर कहेंगे ये तो व्यक्ति पागल है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, समझे। लेकिन अगर आप लोग वही ऐसा कहते हो कि महंगाई बढ़ गई, सारी चीज़ें महंगी हो रही है, तब लोग इजिली समझ जाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है, ये बेसिकली हमारे जो इकोनॉमिक्स वर्ड है। तो मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, महंगाई मीन्स क्या है कि जब वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु, जब उनकी कीमतें लगातार बढ़ती है, तो उसे हम भी कहते हैं मुद्रास्फीति। अब आपको पता है कि कीमतें कब बढ़ती है, क्यों? क्योंकि जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। इसका अपोजिट कर दो, अस्थिति का मतलब क्या होता है कि जब वस्तुओं सेवा उत्पादन होता है, उनका उत्पादन होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उनको कोई खरीदने वाला नहीं होता। मीन्स कि कोई वहां पर क्या होता है, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं होता कि सारी चीजों को खरीदे। डिमांड, इस केस में डिमांड कम होती है, चीजें ज्यादा होती है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा होती है, चीजें कम होती है, बस आपको इतना समझना है। तो आपका जो मेन टॉपिक, अब जो हमारे को मेन टॉपिक जो इसमें पढ़ना है, क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति या साख नियंत्रण को समझे। मतलब कि जब हमारे देश में, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में केंद्रीय बैंक क्या करता है। मतलब केंद्रीय बैंक की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक हमारा क्या होता है, बिल्कुल हेड, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका टॉप। अगर इसको आपको एग्जाम्पल सुना, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग होते, हमारी जो फैमिली होती है, सबसे मेन लीडर कौन होता है, फादर मदर होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो सेम एज इट इज, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनका जो लीडर होता है वो कौन होता है, वो आरबीआई होता है। तो बेसिक सी बात है कि अगर मान लेते घर में कोई इशू होता, कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहले उसको पेरेंट्स उस चीज को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर भी होता है कि जब हमारे देश में क्या होता है कि पैसा बहुत ज्यादा, पैसे की जरूरत पड़ती है या फिर बहुत ज्यादा पैसे की कमी हो जाती है, तो उस केस में केंद्रीय बैंक क्या करता है। तो बेसिकली जो केंद्रीय बैंक है ना, दो उपायों को फॉलो करता है, कौन कौन सा, एक आपका मात्रात्मक उपाय, दूसरा कौन सा आपका गुणात्मक उपाय। इन दो उपायों को ही द्वारा, इसी को हम मौद्रिक पॉलिसी भी कह सकते हैं, मौद्रिक नीति भी कहते हैं। इन उपायों के द्वारा क्या करता है कि इन दोनों केसों को आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है, समझना ध्यान से। तो जैसे कि यहाँ पर पॉइंट, मात्रात्मक में बेसिकली कितने, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आते हैं। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना, आपके माइंड में पॉइंट होने चाहिए सारे। बैंक दर, मैंने आपको बैंक दर बताया था क्या होता है, तो मैं वैसे समझा देता हूँ, होता है बैंक दर का मतलब क्या होता है कि जब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार देगा, तो क्या कहलाएगा, वो बैंक क्रेडिट ना, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न है, मुद्रास्फीति की स्थिति का मतलब क्या है, महंगाई ज्यादा है। तो महंगाई ज्यादा होने का मतलब क्या है कि चीजें कम और लोग डिमांड ज्यादा करें, तो लोग डिमांड कब करते जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम ज्यादा चीजों की खरीदें कब, जब हमारे पास क्या होगा, पैसा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी डिमांड। तो आरबीआई क्या करेगा, अब वो हमारे पैसे कम करेगा, वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, वो सिंपल से क्या करेगा कि जो बैंक रेट होगा ना, उस बैंक रेट को क्या कर देगा, कौन से केस है, मुद्रास्फीति की स्थिति, महंगाई के केस में बैंक रेट को बढ़ा देगा। अब सोचो, जब बैंक का रेट को बढ़ा देगा, तो सिंपल सी बात है कि कॉमर्शियल बैंक पैसा क्या कर लेगा, कम लेगा, और जब कॉमर्शियल बैंक पैसा कम लेगा, तो वो हमें भी क्या करेगा, पैसा कम प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास पैसा कम होगा, और हमारे पास जब पैसा, जैसे पैसे में कमी हुई, तो सडनली क्या होगा कि हम जो डिमांड करते थे, उस डिमांड में क्या आ जाएगी, पूरी तरह से कमी आएगी। और इसका अपोजिट हम कह सकते हैं
कि मान लेते कि ये केस है हमारे, ठीक है, कि जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अस्थिति की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस केस में क्या करेंगे, जो आरबीआई होता है ना वो बैंक रेट को क्या कर देगा, बैंक रेट को डाउन कर देगा। अब बैंक रेट को डाउन करेगा तो इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक जो है ना वो ज्यादा ज्यादा पैसे हो गए उधार लेगा आरबीआई से। जब वो आरबीआई से ज्यादा पैसा उधार लेगा तो पब्लिक को पैसा क्या कर देगा, ज्यादा ज्यादा प्रोवाइड करेगा। और जिससे जब पब्लिक के पास पैसा पहुंचेगा तो वो सारी चीज क्या करेगा, पब्लिक की डिमांड क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, और फिर ये केस क्या जाएगा, ये मेंटेन होगा, मतलब ये रुक जाएगा। ठीक है, और सेम एज इट इज यहाँ पर भी कि जो नगर जमन पर मतलब सीआरआर। अब सीआरआर क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। सीआरआर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश के जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं ना तो वो अपना पैसा, अपना मतलब जितने भी पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा वो आरबीआई को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, देना पड़ता है, तो उसी को हम कह रहे थे सीआरआर। अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर केस कौन सा है, मुद्रा स्फीति, तो मुद्रा स्फीति के केस में क्या कर देगा कि जो आरबीआई क्या कर देगा, सीआरआर के रेट को बढ़ा देगा। अब इससे बढ़ाएगा तो बढ़ाने का मतलब क्या, बढ़ाने का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक का जो पैसा वो घट जाएगा, और जब कमर्शियल बैंक का पैसा घटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो पब्लिक को भी पैसा क्या करेगा, कम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे के एलआरआर। एलआरआर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं, उनके पास जितना भी पैसा होता है, जितना भी अमाउंट होता है ना, उस अमाउंट का कुछ अंश क्या, कुछ अंश क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है कि वो स्वयं के पास रखते हैं। तो अगर हमारे देश में मुद्रा स्फीति, हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस केस में क्या करेगा कि जो आरबीआई एलआरआर को इंक्रीज कर देगा, और जिससे कमर्शियल बैंक पैसा कम लेगा और फिर पब्लिक को कम लेगा। और इसके अपोजिट जब हमारे देश में अस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो आरबीआई है उस रेट को डाउन कर देगा, और जिससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा ज़्यादा आरबीआई से पैसा उधार लेगा, तो और फिर क्या करेगा, पब्लिक को ज़्यादा ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करेगा, जिससे डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सेम रेट से यहाँ पर रेपो रेट का मतलब क्या होता है, तो रेपो रेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब केंद्रीय बैंक मतलब जब सेंट्रल आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को, किसी भी व्यापारिक बैंक को अल्पकालीन ऋण प्रदान के लिए मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा उधार दे रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, अधिकतम हमारी इकोनॉमी के अंदर मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो उस केस में क्या होगा कि आरबीआई जो होगा रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, और जिससे कमर्शियल बैंक है उसकी जो पैसा उधार लेता था वो उसकी पावर कैपेसिटी का घट जाएगी, और जिससे वो क्या करेगा, पब्लिक को कम पैसा उधार देगा। और इसके हम अपोजिट में अगर बात करें, इसके विपरीत में, तो यहाँ पर जब अगर मानते हैं हमारी इकोनॉमी में कौन सा केस है, वो अस्फीति का, मतलब क्या है कि इस केस में अगर लोग डिमांड नहीं करते तो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई होगा वो जो रेपो रेट है उसको डाउन कर देगा, और जिससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा ज़्यादा पैसा फिर उधार लेगा, और जब वो ज़्यादा पैसा उधार लेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो पब्लिक को भी ज़्यादा पैसा क्या करेगा, उधार देगा। तो यहाँ पर हो गया। और आपका रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि कभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि कमर्शियल बैंक जितनी होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे का अमाउंट है, तो आरबीआई जो होता है एक हेड के होने के नाते तो फैसिलिटी देता है कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास मतलब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो क्या करेगा, मेरे पास रख देगा, तो उसको रखने का जिस रेट पर रखेगा ना उसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो सिंपल सी बात है कि जब इकोनॉमी के अंदर क्या हो कि मुद्रास्फीति हो, मींस इन्फ्लेशन हो, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा हो ना वो आरबीआई के पास आ जाएगा, और आरबीआई के पास आएगा तो कमर्शियल बैंक का पैसा घटेगा, और जब उसका पैसा घट जाएगा तो पब्लिक को पैसा क्या करेगा, कम से कम रेट पे उन्हें मतलब कम मात्रा में उन्हें पैसा प्रोवाइड करा। तो ये हमारे बेसिकली क्या आते हैं, ये मात्रात्मक उपाय। तो अब हमारा जो जो आरबीआई होता है वो सेकेंड स्टेप को फॉलो करता है, वो सेकेंड स्टेप क्या हो, गुणात्मक उपाय। गुणात्मक बेसिकली तीन पॉइंट है, आपको तीनों पॉइंट को समझना होता है क्या बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपका मात्रात्मक उपाय से ही जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर इन पॉइंटों को बस आपको समझना क्या क्या होता है। तो पहला कह रहे हैं कि सीमांत आवश्यकता में मीन्स की मार्जिनल रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, ये होता है क्या समझना आपको। तो जैसे कि मान लेते हैं कि बेसिकली सारे आरबीआई से रिलेटेड टर्म्स है, जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, फिर कोई व्यापारी है, अगर वो कमर्शियल बैंक से मतलब कोई व्यक्ति अगर कमर्शियल बैंक से कह रहे कि पैसा मतलब सॉरी आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब कि अगर कोई पैसा लेने आता तो क्या होगा कि कमर्शियल बैंक से जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपये उधार चाहिए, ठीक है, तो मतलब ऋण लेना चाहते हैं, तो होगा कि उसको उतना ऋण नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले आप जैसे कि अगर कोई आप में से कोई व्यक्ति अगर ऋण लेना चाहता है 5 लाख 10 लाख रुपए का, तो जो कमर्शियल बैंक होगा
वो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा कि आपसे उतने उतने पैसे को उतने अमाउंट के आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह का आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा। और जब आपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा दिया तो आपको अगर आप 5 लाख का लेना चाहते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 लाख रुपए आपको नहीं देगा, उसमें से आपको 4.5 लाख रुपए ठीक है या फिर आपका 3,20,000 3,80,000 जो भी उसका रेट होगा वो, तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट के रूप में क्या करेगा आरबीआई वो अपने पास रख लेगा ठीक है। कमर्शियल बैंक इसी को हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता है। नेक्स्ट वर्ड करें साख की राशनी, तो साख की राशनी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर साख की राशनी जैसे कि आप लोग देखते होंगे लोगों के घर में राशन मिलता है, तो राशन मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पर राशन गवर्नमेंट क्यों देती है, क्या इसका पूरा फायदा है आपको समझना है। तो सिंपल से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप में से अगर कोई स्टूडेंट राशन वगैरह लेना तो क्या वो ऐसा कभी होता है कि उसके पास मान दे वो एक एक मतलब लास्ट वाले मंथ में पूरे को उसने गेहूँ चावल सारा कुछ लिया था, लेकिन हुआ क्या कि उसका गेहूँ अभी पड़ा हुआ लेकिन वो क्या चावल खत्म हो गए, तो वो कह रहा है कि भैया मेरे को अब क्या करूँ कि गेहूँ के बदले सारा का सारा क्या चावल ले लो। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको गेहूँ के बदले पूरा का पूरा आपको चावल या चीनी जो भी आपको मिल रहा है वो दे दें, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राशनिंग के द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पर आपके हर एक अनाज का जो कोटा डिसाइड कर देती है कि आपको 5 किलो 10 किलो जो पर बंदे पे आपका उतना अमाउंट मिलेगा, तो वहां पर कोटा होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे देश के अंतर्गत मान लेते हैं बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति जैसे चीजें आ जाती है ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, मीन्स इलीगल आपने सुनेंगे जैसे सट्टा वगैरह हो गए मतलब जुआ वगैरह जो होते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा रहता है, तो इस पैसे केस को कंट्रोल करने के लिए ना आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई क्या करेगा कि हर एक पैसे मतलब जो भी इकोनॉमी में पैसा आता है ना उस पैसे के लिए क्या कर देगा कोटा डिसाइड कर देगा, इस कोटे के बेस पे ही इस कोटे के अकॉर्डिंग ही पैसा प्रोवाइड किया जाएगा इकोनॉमी के अंदर, उससे ना तो ज्यादा ना तो कम, उसी को हम क्या कहते हैं साख की राशि। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट है नैतिक प्रभाव या फिर दबाव, कई मतलब यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्यों, क्योंकि कुछ बुकों में नैतिक प्रभाव दे रखा कुछ बुकों में नैतिक दबाव दे रहा है ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होता है नैतिक का मतलब क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जैसे कि होता है कि अगर बात करें ठीक है कि आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि अभी अगर छोटे बच्चे तो पेरेंट्स की जो नैतिक उनकी जिम्मेदारी होती है नैतिक कैसे मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखना ठीक। तो सेम एज इट इज अगर मैं बात करूँ कि जब मानते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो वो अगर बड़ा होता है ठीक बड़ा होगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने माता पिता के जो ओल्ड मतलब बूढ़े माता पिता का उसको ध्यान रखना चाहिए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो सेम यहाँ पर क्या होता है कि जो आरबीआई वो हेड होने के नाते तो वो क्या करेगा उसके जितने भी अंडर में कमर्शियल बैंक होंगे ना उनको सही ढंग से वो मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मीन्स का मतलब क्या है कि जब हमारे देश में मतलब ऐसा कोई केस आ जाता है तो वहां पर आरबीआई क्या करेगा मतलब हेड होने के तौर पर वो बताएगी कमर्शियल बैंक मतलब व्यक्ति को कितना पैसा दिया जाए ठीक किस रेट पे दिया जाए ठीक है या फिर अगर मतलब कौन कौन से गाइडलाइन है, तो ये सारी जो गाइडलाइन वगैरह होती है वो इसके अंदर का दे। अगर मान लेते हैं कोई कमर्शियल बैंक कहता है कि नहीं हम आरबीआई के द्वारा डिसाइड की जो भी गाइडलाइन है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इस केस में क्या होता है वो नैतिक प्रभाव या नैतिक दबाव के चलते वो आरबीआई क्या करेगा उसके जो मान्यता होती है ठीक है उसकी मान्यता को क्या कर देगा रद्द कर सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक था हमने जो देखा है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझसे कोई नया स्टूडेंट हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बेल आइकन को वेट कर दें, इससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।